देश के जाने माने न्यूज एंकर रोहित सरदाना की मौत के बाद मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लोग उन्हें याद करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहां तक कि कई एंकर तो रोहित की मौत की खबर पढ़ते हुए ऑन स्क्रीन ही भावुक हो उठे। मगर इस दौरान एनडीटीवी के एंकर और अपनी धारदार पत्रकारिता को लेकर पहचाने जाने वाले देश के जाने माने पत्रकार रविश कुमार ने रोहित सरदाना की मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फेसबुक पर जो पोस्ट लिखा है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। रविश कुमार ने अपनी वॉल पर जो पोस्ट लिखी है उसे हूबहू पढ़कर सुनाएंगे टाइम 24 न्यूज के सहयोगी हामिद सैफी। तो ध्यान से सुनिए रविश कुमार क्या लिखते हैं। नमस्कार, आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से मैं स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि शारीरिक रूप से फिट नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई। डॉक्टरों ने किस स्तर पर क्या दवा दी, उनके बुखार या अन्य लक्षण पर किस तरह उन्हें मॉनिटर किया गया। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं नहीं कहूँगा कि लापरवाही हुई होगी, मगर कुछ चूक हो सकती है। ये सवाल मैं केवल रोहित के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर डॉक्टर लोग क्या इलाज कर रहे हैं जिससे मरीज इतनी बड़ी संख्या में अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ भी स्थिति बिगड़ रही है। इसे लेकर एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा था। इस सवाल का उत्तर खोज रहा हूँ। कई जगहों से डॉक्टर के बनाए व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ जा रहे हैं जिनमें कई दवाओं के नाम होते हैं। मैं डॉक्टर्स नहीं हूँ, लेकिन कोविड से गुजरते हुए जो खुद अनुभव किया है कि उससे लगता है डॉक्टर सही समय पर ज़रूरी दवा नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड और कई डॉक्टरों की पर्ची देखकर एक अंदाज़ा होता है कि सही दवा तो लिखी ही नहीं गई है। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था जहां देश भर से रैंडम प्रेस्क्रिप्शंस और मरीज़ के बुखार की डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता। मैं रोहित के निधन से स्तब्धता के बीच इन सवालों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है और ना ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल का जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौ बता रही है। कई लोग लिख रहे हैं कि आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में यह खबर पहुंची होगी बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव कांप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ आ जाएगी। दूसरा, यह भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुज़ुर्ग हों, उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से ही दी जानी है। अगर आप उसे न्यूज़ चैनल के ज़रिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। इसके अलावा और कोई बात हो तो वहाँ न्यूज़ रूम में खड़े उनके सहयोगी सच का सामना कर रही होंगी या कर रहे होंगे। बात भले ही बाहर ना आए, उनकी आंखों के सामने से तो गुजर ही रही होगी। खबर बहुत दुखद है। कोविड के दौरान कई पत्रकारों की जान चली गई। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन पत्रकारों के बारे में कभी ट्वीट नहीं करता। आप बताइए कि कितने पत्रकार देश भर में मर गए, सूचना प्रसारण मंत्री ने उन्हें लेकर कुछ नहीं कहा। उन्हें हर वक्त प्रधानमंत्री की छवि चमकाने से फुर्सत नहीं है। इस देश में एक ही काम है, लोग मर जाएं लेकिन मोदी जी की छवि चमकती रहे। आप लोग भी अपने घर में मोदी जी के 20-20 फ़ोटो लगा लें, रोज़ साफ करते रहें ताकि उनका फ़ोटो चमकता रहे। उसे ट्वीट कीजिए ताकि उन्हें कुछ सुकून हो सके कि मेरी छवि घर में चमकाई जा रही है। आम लोगों की भी जान चली गई। प्रभावशाली लोगों को अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, वेंटिलेटर बेड नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस सरकार ने सबको फंसा दिया है। आप इनकी चुनावी जीत की घंटी गले में बांधकर घूमते रहिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे गाली देते रहिए, लेकिन इससे सच नहीं बदल जाता है। लिखने पर केस कर देने और पुलिस भेज देने की नौबत इसलिए आ रही है कि सच भयावह रूप ले चुका है। जो लोग इस तरह की कार्रवाई के साथ हैं वो इंसानियत के साथ नहीं हैं।
इस देश को झूठ से बचाइए, खुद को झूठ से बचाइए। जब तक आप झूठ से बाहर नहीं आएंगे, लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। अब देर से भी देर हो चुकी है। धर्म हमेशा राजनीति का सत्यानाश कर देता है और उससे बने राजनीतिक समाज का भी। ऐसे राजनीतिक धार्मिक समाज में तर्क और तथ्यों को समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार अब भी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जबकि उन्हें सवाल करना चाहिए था कि अगर वे समर्थक होकर दबाव बनाते तो सरकार कुछ करने के लिए मजबूर होती। अब भी सरकार की तरफ से फोटोबाजी हो रही है। अगर उससे किसी की जान बच जाती है तो मुझे बता दीजिए। जान नहीं बची, आंकड़ों को छिपा लीजिए, मत छापिए, मत छपने दीजिए। बहुत बहादुरी का काम है, बधाई। आप सबको डरा देते हैं और सब आपसे डर जाते हैं। कितनी अच्छी खूबी है सरकार की, घर घर में लोगों की जान गई है। वो जानते हैं कि कब कौन और कैसे मरा है। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि। उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उभरेगा इस हादसे, और ऐसे हादसे से भला कौन उभर पाता है। भारत सरकार से मांग करूँगा कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उसके परिवार को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। सरकार को पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दें। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों की कोविड से मौत हुई है उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक में रोहित के सहयोगी को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। रविश कुमार। जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फ़र्ज इंसान होने का है और यह फ़र्ज किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तो इंसान बनिए, अभी भाषा और मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते तो अफसोस। विनर्म बनिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं है कि कौन किससे बिछड़ जाए। सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।